नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी, एक दिल को छू जाने वाली कहानी को लेकर आया हूँ, एक इंस्पिरेशनल कहानी को लेकर आया हूँ। तो कहानी को आखिरी तक देखिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच ज़रूर कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं कोई भी कहानी लेकर आऊँगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। वह डाइवोर्सी है, यह बात सारे स्टाफ को पता थी। मुझे तो इंटरव्यू के समय ही पता चल गया था। एक बड़े प्राइवेट कॉलेज में हमारा साक्षात्कार एक साथ था। मेरे पास पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री थी, उसके पास मास्टर डिग्री। कॉलेज की साक्षात्कार कमेटी में प्राचार्य महोदया, जो कॉलेज की मालकिन, अध्यक्ष, सभी कुछ वही एकमात्र थी। हमें बताया गया था कि कमेटी इंटरव्यू लेगी, मगर जब कमरे के अंदर पहुँचे तो वही थी, यानी पूरी कमेटी स्नेहा ही थी। उन्होंने हमारे भरे हुए फॉर्म और डिग्रियाँ देखी, फिर मुझसे कहा, आप शादीशुदा हैं? जी। वी लिव हैं? जी, मैंने कहा। फिर उन्होंने मेरे पास खड़ी उस अति सुंदर व गोरी लड़की से पूछा, आपकी मास्टर डिग्री है? एम लिव है। आप मुक्ति? जी, उसने कहा, लेकिन उसके जी कहने में मेरे जैसी दीनता नहीं थी। आप डाइवोर्सी हैं? जी, उसने बेझिझक कहा। पूछ सकती हूँ क्यों? व्यक्तिगत मैटर, उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। ओके। कॉलेज की मालकिन, जो अध्यक्ष व प्राचार्य भी थी, उन्होंने कहा, तो आप आज से लाइब्रेरियन की पोस्ट संभालेंगी, और कार्तिक, आप सहायक लाइब्रेरियन, और हाँ, अटेंडेंट की पोस्ट इस वर्ष नहीं, आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है। जी, हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इस प्राइवेट कॉलेज में मेरा वेतन केवल 15,000 मासिक था, और मेरी सीनियर मुक्ति का 20,000। मुक्ति अब मेरे लिए मुक्ति जी थी, क्योंकि वे मुझसे बड़ी पोस्ट पर थी। मुक्ति के बाहर जाते ही मैं भी बाहर निकलने ही वाला था कि प्राचार्य महोदया ने मुझे रोकते हुए कहा, कार्तिक, डाइवोर्सी है, संभल कर, भूखी शेरनी कच्चा खा जाती है शिकार को, कह के वो जोर से हंसते हुए आगे बोली, मजाक कर रही थी, आप जा सकते हैं। विशाल लाइब्रेरी कच्छ काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। मैं मुक्ति जी के साथ ही काम करता था, बल्कि उनके अधीन था। मुझे उनके डाइवोर्सी होने से हमदर्दी थी, दुख था। इतनी सुंदर स्त्री, कैसा बेवकूफ़ पति है जिसने इसे डाइवोर्स दे दिया। लेकिन मुक्ति जी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, वे खूब खुश रहती हैं, हरदम हंसी मजाक करती रहती। पहले तो उन्होंने मुझसे अपने नाम के आगे जी लगवाना बंद करवाया, आपकी उम्र 30 वर्ष है और मेरी 29, एक साल छोटी हूँ आपसे, यह जी लगाना बंद करिए, केवल मुक्ति कहा करिए। लेकिन आप सीनियर हैं, यह कौन सी फौज या पुलिस की नौकरी है, इतने अनुशासन की ज़रूरत नहीं है, हम साथ काम करते हैं, दोस्तों की तरह बात करें तो ज़्यादा सहज रहेगा मेरे लिए। मैं उनकी बात से सहमत था। इन 8 महीनों में हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। विद्यालय के काम में एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे, अपनी हर बात एक दूसरे को बता दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की, और ना ही मुझसे कभी मेरे परिवार के बारे में पूछा। वे सिर्फ इतना पूछती, और घर में सब ठीक है? उनके हंसी मजाक से मुझे कई बार लगता कि वे अपने अंदर के दर्द को छिपाने के लिए दिखावे की हंसी हंसती हैं। लेकिन मुझे बहुत समय बाद भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उनमें, कोई दर्द, तकलीफ, परेशानी नहीं। और मैं हद से ज़्यादा जानने को उत्सुक था कि उनके पति ने उन्हें तलाक क्यों दिया। हम लंच साथ करते, चाय साथ पीते, इधर उधर की बातें भी दोस्तों की तरह मिलकर करते। कॉलेज के काम से भी कई बार साथ बाहर जाना होता। आपसे एक बात पूछूं मुक्ति? एक दोपहर लंच के समय मैंने कहा मेरे डाइवोर्स के बारे में। उन्होंने सहज भाव से कहा, फिर हंसते हुए बोली, एक पुरुष को स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता रहती ही है, पूछे। आप इतनी सुंदर हैं सिर से लेकर पैरों तक, आप में कोई कमी नहीं, व्यवहारिक भी है, पढ़ी लिखी भी हैं, फिर आपके पति ने आपको तलाक कैसे दे दिया? उन्होंने सहज भाव से कहा,
सुंदरता का डायवोर्स से कोई तालमेल नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि तलाक मेरे पति ने नहीं, मैंने दिया है उन्हें। अब मैं विस्मय हूँ। आपने क्या आपके पति शराबी ज्वारी टाइप व्यक्ति हैं? है नहीं, थे। अब वे मेरे पति नहीं हैं, नहीं हैं। वे शराबी कबाबी ज्वारी टाइप नहीं थे तो किसी दूसरी औरत से? मेरी बात बीच में ही काटते हुए उन्होंने कहा, नहीं तो दहेज की मांग? नहीं। मुक्ति ने कहा, तो आपकी पसंद से शादी नहीं हुई थी? नहीं, हमारी लव मैरिज थी। मुक्ति ने बिल्कुल सहज भाव से कहा, कहते हुए उनके चेहरे पर हल्का सा भी तनाव नहीं था। अब मेरे पास पूछने को कुछ नहीं था सिवा इसके कि फिर डाइवोर्स किस वजह से। लेकिन मैंने दूसरी बात पूछी, आपके माता पिता को चिंता रहती होगी? रहती तो होगी। मुक्ति ने लापरवाही से कहा, हर माँ बाप को रहती है, लेकिन उतनी नहीं, बल्कि उनका यह कहना है कि अपनी पसंद की शादी की थी, अब भुगतो। फिर उन्हें शायद अच्छा लगा हो कि बेटी ने बगावत की, विद्रोह असफल हुआ, बेटी हार कर घर वापस आ गई, जैसे कि सहज मानवीय प्रकृति होती है। बेटी घर पर है तो घर भी देखती है और अपना काम भी लेती है। एक भाई है जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। अब मुझे पूछना था, क्योंकि मुख्य प्रश्न यही था, फिर डाइवोर्स की वजह? उसने उल्टा मुझसे प्रश्न किया, पुरुष क्यों डाइवोर्स देते हैं अपनी पत्नी को? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, शायद उन्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता होगा, इसलिए। बस यही एक वजह है, दूसरी कोई वजह हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। फिर मेरे मन में अनायास ही ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्ति को किसी और से प्यार हो गया हो। शादी के बाद हो सकता है कि बड़े घर में शादी हुई हो, सोचा होगा तलाक में लंबी रकम हासिल करके आराम से अपने प्रेमी से व्यवहार। लेकिन नहीं, इतने समय में तो कोई नहीं दिखा ऐसा, और ना ही कभी मुक्ति ने बताया, ना कोई उससे मिलने आया। मुक्ति ने मुझे विचारों में खोया देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक जैसा आप सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगा कि मेरे मन की बात पकड़ ली मुक्ति ने। मैं हड़बड़ा गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे किसी दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं है, जैसा कि आजकल महिलाएं करती हैं, तलाक लो, तगड़ा मुआवजा मांगो। मेरा भूतपूर्व पति सरकारी अस्पताल में लोअर डिवीज़न क्लर्क था, से मतलब वह जिंदा है लेकिन मेरा पति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि फिर तलाक की क्या वजह हो सकती थी, समाज डाइवोर्सी स्त्री के बारे में क्या सोचता है। मैंने पूछा, कौन सा समाज? मुझे क्या लेना देना समाज से, समाज का काम है बातें बनाना, समाज अपना काम बखूबी कर रहा है और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रही हूँ, उन्होंने समाज को ठेंगा दिखाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन कोई तो वजह होगी तलाक की, इतना बड़ा फैसला, शादी 7 जन्मों का बंधन होता है। मैंने कहा, शादी 7 जन्मों का बंधन? आप पुरुष लोग कब तक 7 जन्मों की आड़ लेकर हम औरतों को बांध कर रखेंगे? ये औरतों को बेवकूफ बनाने की बात है, मुक्ति ने व्यंगात्मक लहजे में कहा। आप तो नारीवादी विचारधारा की हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी पुरुष विरोधी विचारधारा की नहीं हूँ। लंच समाप्त हो चुका था। मैंने उठते हुए पूछा, मुक्ति शादीशुदा रही है, आप अपनी शारीरिक इच्छाएं कैसे? मुझे लगा कि प्रश्न मर्यादा लांघ रहा है, अतः मैं बीच ही में चुप हो गया। लेकिन उन्होंने मेरी बात का उत्तर अपने हाथ की मध्यम और तर्जनी उंगली उठाकर दिया, और फिर नारी सुलभ हया से अपना चेहरा झुका लिया। शाम को हम अपने अपने घर निकल जाते हैं। कॉलेज की बस हमें हमारे स्टॉप पर छोड़ देती। पहले उनका घर पड़ता था, वे हंसते हुए बाय कहते हुए उतर जाती। उन्होंने मुझसे कभी अपने घर आने को नहीं कहा, मुझे जाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं एक डाइवोर्सी महिला के घर जाने पर उसके पास पड़ोस के लोग उसके माता पिता क्या सोचें, कहीं मुझे उसका नया प्रेमी ना समझ बैठे। फिर प्राचार्य महोदया ने कहा भी था, भले ही मजाक में, कि भूखी शेरनी है, बच के रहना कच्चा खा जाएगी। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। इन 8 महीने में व्यवहारिकता के नाते मैं तो उन्हें अपने घर आमंत्रित कर सकता हूँ। अतः दूसरे दिन मैंने कहा, कभी हमारे घर आइए, औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे दिन भर मिलना होता है, आपके घर के लोगों को मैं जानती भी नहीं, उनसे मिलकर क्या करूँगी? फिर मेरे डाइवोर्सी होने का पता चलेगा तो तुम्हारी पत्नी के मन में शक बैठ सकता है कि कहीं मेरा आपसे मुक्ति ने बात अधूरी छोड़ दी। उसे मैंने यह कहा कर पूरा किया।
वह ऐसा क्यों सोचेगी? सोचने में क्या जाता है, सोच सकती है। क्यों बेचारी के दिमाग में खलल डालना? मुझे और आपको कोई यहाँ परमानेंट नौकरी तो करनी नहीं है, ना ही कॉलेज वालों ने हमें रखना है। दूसरी अच्छी जॉब मिली तो मैं भी छोड़ दूंगी। आपका परिवार है, आपको घर चलाने के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है, आप भी कोई ना कोई नौकरी तलाश ही रहे होंगे। हाँ, मैंने PSC का फॉर्म भरा है और मैंने भी सेंट्रल स्कूल में। आप बिल्कुल स्पष्ट बोलती हैं, सही बात को बोलने में हर्ज कैसा? फिर आपने तलाक की वजह क्यों नहीं बताई? चलो अब बता देती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं इस कहानी को दो पार्टों में बताऊँगा। अगली जो पार्ट आएगा इस कहानी का, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मुक्ति का जो डाइवोर्स हुआ था वो किस वजह से हुआ था। तो यदि आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली कहानी में।